everyone. If Fatma, I have also unmuted you, Fatma Sajid. You can also speak if you can. Yeah. Can you hear me? Ji Fatma. Yes, sir. Yes, sir, I can hear you. Achha, Saqib, aap bhi unmute kar lein. If you can hear me. Okay. I think there are 15 people in total and we'll start off with an announcement. सबसे पहले तो मुझे ये अनाउंस करना था कि remember I've posted on the group that there is you all have to actually comment below your registration IDs. Group पे एक post है. वो इसलिए है because there are unwanted people on the group which I want to get rid of. तो काइंडली जिन जिन ने अभी तक कमेंट नहीं किया है उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी वो एज सून एज पॉसिबल कमेंट कर लें सो दैट आई कैन गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा पीपल. सो फातिमा साजिद हैज बीन मेड एडमिन ऑन द ग्रुप फॉर लाइक शी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द बीबीए पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड साकिब जावेद वुड बी रिप्रेजेंटिंग द मीडिया स्टूडेंट्स. सो आप लोग जितना जल्दी हो सके जिन्होंने नहीं की अपनी आईडी कमेंट वहां पर वो रजिस्ट्रेशन आईडी नीचे कमेंट कर दें. एक तो ये अनाउंसमेंट हो गया. अच्छा दूसरा अभी मैंने आपको एक वीडियो दी थी देखने के लिए विच वाज ऑन सिंडी शर्मन. ये वीडियो आई थिंक लास्ट क्लास में भी दी थी बट सब ने देखी नहीं थी एंड वी वर अनेबल टू डिस्कस इट. सो आज आप लोगों ने देखी है सो वी विल बी डिस्कसिंग इट टुडे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और वीडियो लिंक मैंने सेंड किया था विच वॉज बेसिकली हाउ टू यूज स्मार्टफोन्स कैमरा प्रो मोड. जो प्रो मोड होता है एक्सपर्ट मोड होता है डिफरेंट सेलफोन में. किसी में प्रो के नाम से होता है किसी में एक्सपर्ट के नाम से होता है किसी में मैनुअल के नाम से होता है. सो वो उसके ऊपर थी वीडियो सो दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग योर स्मार्टफोन कैमराज प्रॉपरली सो दैट अब अपकमिंग जितने भी असाइनमेंट्स होंगे हर किसी के पास DSLR कैमरा नहीं है. सो व्हाट विल हैपन कि आप सेलफोन कैमरा से अपने काम कर लोगे अगर DSLR नहीं है तो इवन दैट इज फाइन. ओके सो कैन यू ऑल सी मी नाउ? यस यस सर. ओके सो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन फर्स्ट विच इज बेसिकली ऑन सिंडी शर्मन. एक और अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप VLE के अंदर एक सेक्शन है जिसमें कोर्स कंटेंट्स होते हैं उधर आप जाके मटीरियल्स के सेक्शन में जाएंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर द एंटायर कोर्स. So it's like I'm sharing my screen now so that you can actually see कि ये कहाँ पर है ये option. मेरे पास तो faculty profile है तो उसमें अलग तरीके से आता है. I'm sure आप students से connect करोगे तो आपके पास अलग तरीके से आएगा. So this is the faculty. I'll go to VLE. Can you all see my screen? Yes, sir. Okay. मैं अगर कोर्सेज में जाता हूँ आई डोंट नो आपके पास कैसे ऑप्शन आते हैं. ये मेरा कोर्स है फोटोग्राफी तो इसके अंदर क्लास मटेरियल्स का एक ऑप्शन है. आई डोंट नो ये ऑप्शन आपके पास कैसे आता है. यू गो टू क्लास मटेरियल और यहाँ पर सेशन 1 से लेके सेशन 14 तक सारा मटेरियल मैं अपलोड कर चुका हूँ. सो टुडे इज बेसिकली सेशन 8. अगर आप सेशन 8 में जाएंगे तो ये मटेरियल पहले से ही मौजूद होगा यहाँ पे. लाइक सिंडी शर्मन की PDF प्रेजेंटेशन है. असाइनमेंट 7 क्या होगा वो उसकी डिटेल्स हैं. सेशन 8 में हम दैट इज टुडे क्या क्या पढ़ेंगे उसकी डिटेल्स है. तो आई एम होपिंग कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप लोग सब इस जगह पर कनेक्ट होके अपने जो है यहाँ पर मटेरियल सेशन में जाके ये सारे सेशन वाइज मटेरियल आप पहले से रिव्यू कर लेंगे स्टडी कर लेंगे. तो एक तो ये बात हो गई. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ PDF प्रेजेंटेशन ऑन सिंडी शर्मन जो आपने अभी नहीं देखी है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कि वो सिंडी शर्मन जो हमारी न्यू फोटोग्राफर हाउ शी वाज वर्किंग इन हर एंटायर लाइफ इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी. शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन विथ यू ऑल.
So, as you can see my screen now, we'll go through the Cindy Sherman's presentation first. Can you all see the presentation on my screen? Yes, sir. जी. Okay. So Cindy Sherman, basically आप video इसकी documentary तो already देख ही चुके हैं. And documentary, obviously it was very detailed and you saw a lot of her work और पूरी life वो क्या करी थी. She was basically American-born photographer, artist basically, and she was doing self-portraits for entire her life. Like she was shooting her own self, अपनी photographs लेती थी. But she wasn't taking her pictures like any other girl who takes selfies and all. इस तरह की pictures नहीं लेती थी. She had a lot of character in her self-portraits. Like for every self-portrait, she used to develop a character. वो character इस तरह develop करती थी. She used to get inspired by movies characters, comic characters, novel और books के अंदर जो characters होते हैं, उनसे inspired होती थी. या कोई historical character से inspired होके अपने पूरा attire develop करती थी. तो more than 30 years वो खुद को ही model बना के and self-portraits ले रही थी. And basically उसने बहुत सारे issues पे भी काम किया, such as role of women, standards of beauty and identity of women, और women के ऊपर भी उसने काम किया. But that doesn't means कि उसके self portraits में she turned herself into a woman only. उसने male characters भी किए हैं कुछ, क्या कहते हैं, self portraits में. So you must have seen a lot of her work in the video documentary. So basically इसका concept है self examination, evaluation, validation. अपने आप के ऊपर shoot करना. It's not like she was self obsessed or anything. It is just that she was she explored a new area in photography as a medium of art. फिर उसने बहुत काम किया, such as इससे पहले मैं आपसे Ansel Adams discuss कर चुका हूँ, Henri Cartier-Bresson discuss कर चुका हूँ. उन्होंने भी अपने क्या कहते हैं टाइम पीरियड में फोटोग्राफी एज ए मीडियम ऑफ आर्ट प्रमोट किया. सिमिलरली सिंडी शर्मन, बट शी इज मोर मॉडर्न देन एंसल एडम एंड हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन, बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम के हैं. शी इज डूइंग कलर्ड फोटोग्राफी, क्रोमा यूज कर रही है टू चेंज द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. तो लेट्स जस्ट सी सम ऑफ आवर वर्क. एंड this is one of her pictures. She is looking into the mirror and it's basically mirror ke upar camera hai and mirror wali jo reflection hai usko focus kiya hua hai. Head ka jo back aa raha hai wo defocused hai thoda, and it's grayscale picture. Obviously she has turned herself into some movie character aur wo feel dene ki koshish kar rahi hai. And another character from a movie she developed, aur she has done self portraits for all of her characters. तो अपने makeup, attire, wardrobe, props, ये बड़ा role play. आपने documentary में ये भी देखा होगा कि उसकी अपनी library थी, collection थी of different makeup stuff and everything. सही है, तो ये सब था उसमें, ठीक है. So we move forward. Another picture, again she has developed into another character, and moving forward. Achha, one more important feature of her photographs is that her photographs look more like paintings rather than photographs. Her picture is ki nahi. For example, this picture which you're seeing right now on the screen, this looks more like a painting. And if you look at this one, they look more like a picture. लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी mysterious, surrealism वाली look आ रही है. Surrealism is an art movement, I explained you earlier. उसको काफी photographers ने follow किया. ये भी Cindy Sherman भी थोड़ा सा follow करती थी. Again, here it looks more like a painting, some character from medieval era. Here this more looks like a photograph, not painting. And she is in a bedroom जो पूरा उसने सेटअप किया है. She's turned herself again into a movie character.
अगेन दिस हेयर इज मोर ऑफ अ फोटोग्राफ, यहाँ पर थोड़ा सा पेंटिंग का लुक है ऑब्वियसली, एंड प्रॉप्स वार्डरोब मेकअप अटायर इन सब चीज़ों का रोल प्ले तो है, साथ में जो पोस्ट प्रोसेसिंग की भी है इसने, बैकग्राउंड चेंज है, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में इसने अपने आप को मेकअप, ये पूरा जो अटायर है उसको पेंटिंग लाइक लुक देने के लिए टचेस किए हैं उस तरीके से. अगेन दिस पिक्चर शी टर्न्ड हरसेल्फ इनटू सम कैरेक्टर फ्रॉम 70s. दिस इज अनदर कैरेक्टर बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी, अगर आपने स्टडी किया हो या पढ़ा हो सुना हो तो ग्रीक माइथोलॉजी में ये कैरेक्टर है, एग्जिस्ट करता है ये ग्रीक माइथोलॉजी में. तो अगेन दिस अनदर पिक्चर, मोस्टली दिस लुक लाइक अ पेंटिंग, बैकग्राउंड भी और फोरग्राउंड भी, द सब्जेक्ट इज देयर. हेयर शी इज ऑल्सो टर्न्ड हरसेल्फ एंटायरली डिफरेंट, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन फीचर्स चेंज कर दिए उसने वार्डरोब से, मेकअप से, और यू नो बैकग्राउंड भी चेंज है ऑब्वियसली. अगेन अनदर मूवी कैरेक्टर शी हैज डेवलप्ड, अगेन शी इज डेवलप्ड इन हरसेल्फ इनटू सम रिच लेडी, पावरफुल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिसका हो, यू नो करेक्टर उसकी पर्सनैलिटी में नजर आता था. अगेन मूवी करेक्टर मोस्ट प्रॉबली. So this is one of our another photos, looks more of a photo, looks more of a photo. Again this might be a scene from a movie, तो उसमें एक सीन को जो है क्या कहते हैं मेमोराइज करके उस सीन से इंस्पायर्ड होकर कैरेक्टर डेवलप कर लिया. Such as this, she has worked a lot of her images, she has worked on clowns. Clowns को as a करेक्टर इंस्पिरेशन फोटोग्राफी के लिए लेकर काम करना स्टार्ट पाइनियर उसमें सिंडी शर्मा ने, एंड स्टिल नाउ अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स आर वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउन्स एंड जोकर्स. और पिछले पास स्टूडेंट्स का बहुत सारा काम है इसके ऊपर, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, लेकिन आई विल शो यू दोस दैट वर्क एज वेल. अगेन शी हैज डेवलप्ड हरसेल्फ इनटू अ मूवी सम पेंटिंग, यहाँ पे एक और इसने पूरा अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर दिए हैं. She has changed herself entirely here as well, and here she has turned herself into a boy, a male character. Again, another picture which looks more like a painting, background pura replaced hua hai. So these are, this is it, some of the pictures of her presentation. जो इससे ज़्यादा pictures आपने movie में देखी होंगी, जो video documentary मैंने आपको से share किया, और इसके अलावा इसकी अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी इसकी बहुत सारी इमेजेस हैं. जी गाइस, यू फॉलोइंग मी, इतना समझ आया आप लोगों को? रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स प्लीज रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन. फिर आगे बढ़ेंगे हम. जी एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? फातिमा आवाज आ रही है मेरी? यस सर. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके. साकिब आपको आवाज आ रही है? आपका माइक काम कर रहा है? जी सर. अच्छा सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. अच्छा अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ असाइनमेंट जो करना है आपने इस वीक, जो टास्क है आपका. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन विथ यू ऑल. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन विथ यू ऑल, एंड आई वांट यू एक्सप्लेन यू गाइस this task. Okay, so can you see my screen? Yes sir. Okay, so assignment 7, that is emulating Cindy Sherman's style of photography. Isme total aapne 5 tasveere leni hai, only 5 pictures, theek hai, total.
So what you'll do is you can use artificial light or natural light. So artificial light में आपके पास क्या-क्या sources हो सकती हैं? I'm going to unmute most of you and I want कि आप questions करो मुझसे live. साकिब जावेद को unmute कर दिया मैंने, अरहाम मुस्तफा को unmute कर दिया है, फायदा सना यू unmuted, मरियम यू unmuted, जसीम यू unmuted. So here you are allowed to talk. Zefa. जी, जिसको कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन टॉक. रेज योर हैंड एंड लो. जी सुनील बोले. सर ह्यूमंस के पिक्चर्स हमने क्लिक करनी है जो असाइनमेंट हमने करना है ये वाला. अभी जी जी अभी बता रहा हूँ उस पर आगे बढ़ रहा हूँ. मैंने अनम्यूट इसलिए किया आप लोगों को सो दैट आई कैन हेयर. मतलब मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा सर किसी का. ठीक है. जी वकार यू वॉन्ट टू टॉक. जी वकार वकार यू कैन अनम्यूट एंड टॉक. रेस्ट ऑफ द पीपल म्यूट योर सेल्फ. जब आप बात नहीं कर रहे तो म्यूट कर लें. जी वकार सर. हाँ हाँ जी वकार. आई कैन हियर मी. जी जी आई कैन हियर यू. यस प्लीज. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अभी मिड टर्म की असाइनमेंट दी थी. तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वापस से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ एंड आई वुड एक्सप्लेन यू द टास्क. फर्स्ट जो टास्क है ओके. सो बेसिकली यू हैव टू टेक 5 फोटोज. ठीक है. आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट. सो नाउ एज आई एक्सप्लेन इन क्लास जब फेस टू फेस क्लासेस हो रही थी जब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि नेचुरल लाइट सोर्सेज क्या क्या हैं आपके पास. सो नेचुरल लाइट सोर्सेज आपके पास इस वक्त सनलाइट है. ठीक है. सनलाइट को इस वक्त लॉकडाउन सिनेरियो में आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं. अपनी विंडो के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. अपनी बैल्कनी में जाके एक्सेस कर सकते हैं. इफ़ यू आर लिविंग ऑन अ ग्राउंड फ्लोर तो आप अपने बैकयार्ड में अपार्टमेंट के एरिया में रूफ टॉप में आई डोंट नो बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं सनलाइट को. और आर्टिफिशियल लाइट में आपके पास क्या क्या हालत है. तो घर के अंदर आपके लाइट्स लगी हुई हैं वो अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास कोई टेबल लैम्प है टॉर्चेज हैं एक्स्ट्रा सेल फोन है जिसके अंदर आप कॉन्स्टेंट टॉर्च ऑन कर लो तो ये सारी आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज आपके पास हो जाती हैं. क्या क्या है जी. एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग आर्टिफिशियल लाइट सोर्स और नेचुरल लाइट सोर्स. ओके सो नेक्स्ट जी. नेक्स्ट जो है वो है ऑल फोटोज शुड बी टेकन इनडोर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स और आउटडोर एज डिजायर्ड आइदर विद DSLR कैमरा और सेलफोन कैमरा किसी से भी लें. आपको DSLR कैमरा से आप लेना चाहते हैं आप DSLR से लें. इफ यू डोंट हैव अ DSLR राइट नाउ यू वांट टू टेक इट फ्रॉम सेलफोन कैमरा सेलफोन से लें. लेकिन आई विल इंसिस्ट यू ऑल कि सेलफोन से अगर आप पिक्चर ले रहे हो तो प्लीज यूज द प्रो मोड जिसके ऊपर आज वीडियो मैंने शेयर किया डॉक्यूमेंट्री आपके साथ. प्रो मोड एक्सपर्ट मोड मैनुअल मोड ट्राई टू एक्सप्लोर दैट मोड क्योंकि उसके अंदर जितनी अच्छी पिक्चर आपकी आएगी जितनी कंट्रोल्ड पिक्चर आपकी आएगी वो ऑटो मोड्स के अंदर नहीं आती है सेलफोन के अंदर. सो ट्राई एक्सप्लोरिंग योर प्रो मोड. ओके सो दोज हु आर यूजिंग DSLR कैमरा उनके लिए मैंने जी फातिमा फायजा सना सॉरी यस सर जी सर आपने ये जो बोला है लाइट का तो सर ये कितना प्रॉब्लम आ रही है हमें. किसमें प्रॉब्लम आ रही है. एक सेकंड सर जी. सर ये आपने जिसमें बताया ना कैमरे में प्रो में तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हमारे फोन में वो प्रो का ऑप्शन है. आपके पास फोन कौन सा है सर. दो फोन है एक आईफोन एक्स है और दूसरा ऑनर 8X है. अच्छा ऑनर 8X तो एंड्रॉइड है ना. सर उसमें तो डेफिनेटली होगा प्रो का ऑप्शन. और आईफोन के अंदर एक्सपर्ट के नाम से होता है. एक्सपर्ट के नाम से. हाँ अच्छा दूसरी बात अगर मैंने जो वीडियो आपको शेयर किया आज अगर आपने प्रॉपर्ली देखी है तो उसके अंदर ये भी बताया था कि बहुत सारी कैमरा की एप्स भी मिलती हैं ऐप स्टोर पे और क्या कहते हैं प्ले स्टोर पे. तो मैनुअल कैमरा की एप्स होती हैं.
अगर आप वो डाउनलोड कर लें, अगर लेट सपोज आपको आपके कैमरे में नहीं मिल रहा ऑप्शन प्रो मोड का, एक्सपर्ट मोड का, तो आप वो मैनुअल कैमरा की ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आईफोन है तो एप्पल ऐप स्टोर से कर लें, अगर एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से कर लें, तो उसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ओके। सो बात करते हैं मजीद कि जिन जिन स्टूडेंट जो DSLR यूज कर रहे हैं वो अपने, उनके लिए सेटिंग मैंने बता दी है कि क्या है। जरूरी नहीं है यही सेटिंग आप रखें, बट मैंने जनरल सेटिंग बता दी है कि एपर्चर अराउंड f6.3, शटर अराउंड 1/125। जी बकार, हां सर। सर मुझे ये पूछना था कि अगर जो इंडोर फोटोग्राफी करेंगे उसमें अगर हम पॉपअप फ्लैश इस्तेमाल करते हैं या फोन की एक्सटर्नल फ्लैश इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको पता है वो उसको इस तरह से फिल नहीं कर पाता, तो उसके लिए कोई टिप्स बताएं आप कैसे फिल करेंगे अपने उस सब्जेक्ट को? क्या मतलब फिल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपको पता है कि सर एक्सटर्नल फ्लैश जो है वो डायरेक्ट सामने से लाइट मार दी, इसलिए वो पीछे शेड्स आ जाते हैं, उसके शेडोज आ जाते हैं। और एक्सटर्नल फ्लैश फोन की वो भी उससे अगर इस्तेमाल करेंगे तो शेडोज आ जाएंगे। टिप्स बताएंगे कैसे हम दूसरे फोन के इस्तेमाल करके किस तरह से करके अपने सब्जेक्ट को फिल कर सके लाइट से? वेरी नाइस क्वेश्चन बकार, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, अच्छा पहले ये देख लें कि ये सेटिंग DSLR की अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। हो सकता है शटर 1/125 रखें कम से कम, ISO हो सकता है बढ़ाना पड़े आपको, आपके हिसाब से लाइटिंग एनवायरमेंट ऐसी ना हो कि ISO 100 पे आपके पास, हो सकता है अंडर एक्सपोज पिक्चर आ जाए तो ISO शायद बढ़ाना पड़ जाए आपको। बाकी आर्टिफिशियल लाइट पावर, मैंने ये चीज मेंशन की है कि अगर आप आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लैश गन यूज कर रहे हैं और एक्सटर्नल फ्लैश गन यूज कर रहे हैं, DSLR वाले हजरात से मैं मुखातिब हूँ, तो वो लोग पावर 1/32 यूज कर सकते हैं, 1/64 यूज कर सकते हैं, पावर इतना है इसमें। अच्छा अब बात करते हैं वकार ने जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया, बल्कि उस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मैं कैमरा सेलफोन कैमरा की सेटिंग बताता हूँ। ठीक है, तो सेलफोन कैमरा में मैंने आप सबसे, याद करें आप क्लास में जब थे, फेस टू फेस हम क्लासेस लेते थे, मैंने सबको रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड ऑन करवाया था और मैंने 4:3 का रेशो, एस्पेक्ट रेशो ऑन करवाया था आपके कैमरा पे। मैंने कहा था 16:9 को इग्नोर करें, फुल स्क्रीन को इग्नोर करें, स्क्वायर रेशो को इग्नोर करें, 4:3 का रेशो सेलफोन कैमराज पे ऑन कर दें, और उसके अंदर भी काफ़ी फोन्स के अंदर 4:3 के अंदर भी मजीद दो ऑप्शन होते हैं हाईएस्ट रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के, तो जो भी हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल विद इन 4:3 रेशो आपके सेलफोन कैमरा पे है उसको सेलेक्ट कर लें, तो ये लाजमी आप करें। फिर इसके अलावा आप प्रो मोड यूज करेंगे सेलफोन कैमरा का। ठीक है, अब कमिंग बैक टू वकार्स क्वेश्चन एंड यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल लाइट जब आप यूज करते हैं तो आपको जब डायरेक्ट आप सब्जेक्ट पर आर्टिफिशियल लाइट देते हैं तो जाहिर है वो एक डायरेक्शन में होगी, अगर आपके पास ट्रिगर है रिमोट सिंक करने के लिए तो आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि कैमरा सामने है और लाइट यहाँ से आ रही है सब्जेक्ट पे, या लाइट इधर से आ रही है कैमरा आप यूं देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास रिमोट ट्रिगर नहीं है तो आपके कैमरे के ऊपर लाइट माउंट होगी। ठीक है, लाइट माउंट होगी तो लाइट का सेम डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन रहेगी उस सूरत में, या फिर डायरेक्शनल की सूरत में लाइट ने स्ट्राइक करना है सब्जेक्ट को और बड़ा हार्श इफेक्ट उसमें देना है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि, अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया हैविंग आईफोन 7 सर डिफिकल्ट है आप फाइंड करना एनी गाइडेंस? ओके, ये जिसने भी क्वेश्चन किया उसका नाम नजर नहीं आ रहा है, बट लेट्स आई विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन एनीवेज। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो है फ्लैश लाइट को स्ट्रेट कर दें वर्टिकल और उसको रूफ के ऊपर बाउंस करें, जब वो रूफ के ऊपर बाउंस करेगी फ्लैश लाइट तो पूरे रूम को एंटायरली वो इक्वल लाइट से फिल कर देती है, पूरे लिट अप कर देती है पूरे एनवायरनमेंट को, और वो जो हार्श लाइट ऑन द सब्जेक्ट फेस या बॉडी जो है वो नजर नहीं आता, वो बाउंस होकर पूरा एनवायरनमेंट लिट अप कर देगी। तो इसके ऊपर भी आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो सेंड करूंगा आप लोगों को हाउ टू यूज आर्टिफिशियल लाइट और रूम के अंदर और हार्श लाइट और शेडो ना आए और आप फिल करो उससे, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा। कमिंग बैक टू वकार्स क्वेश्चन सेकंड पार्ट कि अगर आपके पास सेलफोन है तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से लाइट को यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली सेलफोन से अगर आप सामने से पिक्चर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्लैश तो इधर से ही आना है ना, अगर आप पिक्चर ले रहे हैं कॉन्स्टेंट फ्लैश ने यहीं से आना है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कैमरा है,
ये मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ, फ्लैश नहीं तो कॉन्स्टेंटली यहाँ से आना है। तो इसका तरीका ये है कि अगर आपके पास दो सेल फोन है घर में, आई एम श्योर होंगे, एक अब्बू का होगा, एक आपका होगा, एक भाई का होगा, यू नो, एक जो भी बेस्ट फोन है आपका जिससे आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं वो तो सामने आपने एज ए फोटोग्राफी के लिए यूज करना है। जो सेकंड फोन है उसको आपने टॉर्च के तौर पे यूज करना है साइड से। अब वो टॉर्च आप साइड से दें, उसकी टॉर्च ऑन कर दें, कॉन्स्टेंट टॉर्च, तो वो कॉन्स्टेंट टॉर्च आपने वंस ऑन कर दी तो आप वो टॉर्च साइड से दें, सब्जेक्ट पे ऊपर से दें, इस साइड से दें, तो अब आप देखें मेरे फेस पे लाइट डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या फर्क आ रहा है। दिस इज मोर और लेस रेम्ब्रांड लाइटिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये स्प्लिट कर रहा हूँ मैं इसमें। ये लाइटिंग टेक्निक्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बतानी है मैंने, ठीक है, ये अलग किस्म की लाइटिंग इफेक्ट यह लगा रहा है। तो एक सेलफोन स्पेयर में आपके पास जो है उसको टॉर्च के तौर पे आप यूज कर लें, और एक फोन जो आपका मेन है उससे आप पिक्चर लें। अब टॉर्च के लिए जरूरी नहीं आप सेलफोन यूज करें, मैं तो बता रहा हूँ अगर आपके घर में टॉर्चेज नहीं है तो आप सेलफोन यूज कर सकते हैं टॉर्च के तौर पर। अगर आपके पास टॉर्चेज हैं, एक्स्ट्रा लैंप है, टेबल लैंप है, तो टेबल लैंप को भी लाइट सोर्स के तौर पर यूज किया जा सकता है, अगर आप उसको घुमा के यूं लाइट सोर्स सब्जेक्ट पे करते हैं। तो ये आई एम श्योर, आई एम होपिंग, वकार मैंने आपका क्वेश्चन एड्रेस कर लिया होगा। जी वकार, जी वकार बोले। सर दो क्वेश्चन है, वो एक ये कि जो आपने रिकमेंडेड सेटिंग्स बताई हैं इसमें अपर्चर 6.3 बताया आपने, घर पे हमारी इतनी लाइट तो होती नहीं है तो इतने 6.3 में बहुत डार्क नहीं हो जाएगी? अच्छा डार्क तो हो जाएगा, मैंने इसलिए 6.3 रखा है कि कुछ लोग है अगर डे लाइट यूज कर रहे हैं जैसे तो, इंडोर 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 में, अच्छा इंडोर में तो देखें बहुत कम है, बहुत नैरो है 6.3, आप ओपन कर दें बिल्कुल एपरेचर को ओपन करके आप मैक्सिमम वो 3.5 तक जाता है जूम आउट हुआ है अगर लेंस को, तो बिल्कुल मैक्सिमम वाइड ओपन कर दें एपरेचर को ऑब्वियसली अगर आपके रूम में अंधेरा है तो। और वैसे भी DSLR वाले यूज करने वाले हैं वो समझते हैं कि किस एनवायरनमेंट में एपरेचर क्या रखना है। जी दूसरी बात ये, अगर DSLR पे एक्सटर्नल फ्लैश इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है तो फिर हम सर उसको रूफ पे कर सकते हैं कि अगर रूफ पे करके तो पूरे कमरे को फिल करके लाइट से? तो रिमोट कंट्रोल तुम कह रहे हो तो नहीं है, रिमोट कंट्रोल अगर नहीं है तो वही तो बोल रहा हूँ कि जो उसका हेड है उसको हम रूफ की तरफ अगर पॉइंट करें तो फिर तो मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। देखें ये आपका फ्लैश पेन है, यस सर, ठीक है, वाइल शूटिंग आपने इसको ऐसे रखना है कैमरे को, ओके सर, टुवर्ड द रूफ, आपने इसको ऐसे नहीं रखना, अगर कैमरा नीचे माउंट है अगर आप ऐसे रखोगे तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट आएगा हार्श लाइट, अगर आप इसको टॉप पे कर दोगे तो ये छत से फ्लैश बाउंस होके पूरे रूम को लाइट सब्जेक्ट को फिल कर देगा और शैडो भी नहीं आएगा और हार्श लाइट भी नहीं आएगी। ये कहलाता है बाउंस कार्ड, ये व्हाइट वाला, ये भी इस्तेमाल होता है बाउंस फ्लैश बाउंस करने के लिए। बाउंस कार्ड है बेसिकली क्या होता है कि आप अगर फ्लैश फायर हुआ ना तो फ्लैश यहाँ से बाउंस करेगा इसके ऊपर और लाइट को फोकस करेगा एक जगह पे, अगर ये कार्ड मैं अंदर कर दूंगा तो लाइट पूरे रूम में फैला देगा इक्वली। तो इस वक्त जो सिनेरियो है ना, आई थिंक इट्स बेटर कि आप इसको पूरे रूम में फैला दो, और डिफ्यूजर आप तब यूज करो जब आप सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली फ्लैश फायर कर रहे हो, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट पे डायरेक्टली फ्लैश फायर करने की बात नहीं कर रहे, इस वक्त जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आपको पूरा एनवायरमेंट भरना है लाइट से, तो इसलिए इसको आप अंदर कर देंगे क्योंकि अब आप हार्श लाइट डायरेक्ट लाइट यूज कर रहे हैं हार्श, लेकिन वो छत पे मार रहे हैं, छत पे मार रहे हैं, आप दीवार पे भी मार सकते हो, आप इस दीवार में मार सकते हो, पीछे दीवार में मार सकते हो, मैं यहाँ से भी बाउंस कर सकता हूँ, पीछे से बाउंस करूँ मैं, ऊपर छत के ऊपर बाउंस करूँ मैं, यहाँ से बाउंस करूँ, तो ये किस कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन उससे क्या होगा पूरा एनवायरमेंट लिटअप हो जाएगा। लेकिन आप सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट बाउंस करोगे तो वो हार्श लाइट उसके ऊपर आएगी सब्जेक्ट के फेस पे और उसका शेडो भी हार्ड शेडो नजर आएगा, पीछे दीवार है या पर्दा है या जो भी बैकग्राउंड है, समझ लो। कोशिश करें लाइट एनवायरनमेंट अगर आपको लिट अप करना है तो उसके लिए ये बेस्ट है। एक और चीज होती है एक्सटर्नल फ्लैश गन के ऊपर जो माउंट होती है वो ये कहलाता है डिफ्यूजर। ये डिफ्यूजर बेसिकली क्या करता है, आप इसको एक बार इसके ऊपर माउंट कर दो, ये पूरे रूम को इतना अमेजिंगली फिल करता है और इसके लिए फिर आपको रूफ ना भी हो तो भी काम आपका चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये ग्लो करेगा ना तो ये पूरा चारों तरफ लाइट को फेंकेगा, चारों तरफ भी फेंक रहा है, टॉप पे भी फेंक रहा है,
लेकिन अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो लाइट सिर्फ टॉप पे जा रही है, तो ये बड़ा अच्छा डिफ्यूजर होता है जो लाइट को चारों तरफ फेंक देता है। अगर आपके पास ये नहीं है, लेट सपोज ये भी नहीं है आपके पास, और आपके पास एक्सटर्नल फ्लैश गन भी नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ DSLR कैमरा है। सर आजकल लोगों के पास रिंग लाइट भी होती है। हाँ रिंग लाइट तो बड़ी इजी है, वो तो सेल फोन के ऊपर भी लोग रिंग लाइट ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको। यस सर, वो तो बहुत अमेजिंग कॉमन आजकल, तो बहुत अमेजिंग चीज है वो अभी, और पोर्ट्रेट के लिए तो बहुत अच्छी है। अभी प्रॉब्लम ये लॉकडाउन में ये सब तो नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ तकरीबन लोगों के पास होती है वैसे आजकल तो। लेट सपोज अगर नहीं है किसी के पास, ये सब वो तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। एक व्हाइट पेपर ले आप, ठीक है, आपके पास DSLR कैमरा है और आपके पास कोई एक्सटर्नल फ्लैश गन नहीं है, लेट सपोज, तो ये फ्लैश आपने माउंट किया हुआ है ऊपर, फ्लैश ऑलरेडी बिल्ट इन फ्लैश है, इसको फायर करना है। अब इसका भी प्रॉब्लम ये है, ये बिल्ट इन फ्लैश जो है ये एक ही डायरेक्शन से लाइट फायर करता है, ठीक है, इसको तो मैं हटा भी नहीं सकता ना। एक्सटर्नल फ्लैश गन होगी मेरे पास तो उसको फिर भी, अगर ट्रिगर है मेरे पास तो मैं उसको किसी डायरेक्शन से मूव कर सकता हूँ, इसके लिए तो मेरे पास ट्रिगर भी नहीं है, मूव भी नहीं कर सकते इसको। तो आप एक पेपर लें, उस पेपर को यहाँ पर रख दें, ठीक है, अब पेपर को उसके सामने रखें और पेपर सामने रखें फिर फ्लैश फायर करें, तो ये भी डिफ्यूजर का काम करता है व्हाइट पेपर। उससे क्या होता है कि जो हार्ड लाइट नहीं लगती सब्जेक्ट के फेस पे, और लेट सपोज जी सर वो जो सिगरेट का सिल्वर पेपर होता है वो भी तो यूज करते हैं लोग। हाँ वो भी रिफ्लेक्शन वो फिल करने के लिए वो भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर गोल्डन पेपर। इसके अलावा मैंने ये जो पेपर दिखाया A4 साइज का प्रिंटर पेपर है, ये भी इससे भी डिफ्यूजर का काम होता है। और व्हाइट टिश्यू ले लें, कोई भी टिश्यू लेके वो भी इसके आगे रख देंगे अगर आप, तो वो भी डिफ्यूज करेगा, वो भी हार्ड लाइट को रोकेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो नई हो आपके पास इक्विपमेंट तो आप क्या करें, काम किस तरह आप मैनेज करें। एनीवेज आई होप वगैरह काफी चीजें मैंने एड्रेस कर दी होंगी आपकी कंसर्न्स, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि भाई इंस्पायर्ड बाय सिटी शर्मन स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी डेवलप अ कैरेक्टर फॉर सेल्फ पोर्ट्रेट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टर ईगो। अब मैं ऑल्टर ईगो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि फर्स्ट जो हमने एंसल एडम डिस्कस किया था फोटोग्राफर, उसकी क्रिएशन उसकी डेवलपमेंट क्या थी फोटोग्राफी की दुनिया में, कि उसने जोन सिस्टम बनाया था, ठीक है, और जोन सिस्टम काफी हद तक हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। सेकंड फोटोग्राफर हमने हेनरी कार्टर बेसोन डिस्कस किया था, उसकी डेवलपमेंट दुनिया में क्या थी कि उसने डिसाइसिव मोमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था लोगों को। तो डिसाइसिव मोमेंट वॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब फोटोग्राफर डिसाइड करता है कि ये राइट मोमेंट है, क्लिक कर लो, पूरा सीन अनफोल्ड हो जाएगा, तो दैट वॉज द डिसाइसिव मोमेंट, ठीक है। सिंधी शर्मन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब चेंज, मॉडिफाई, ईगो मतलब सेल्फ, तो ऑल्टर ईगो इज लाइक चेंजिंग योर इनर सेल्फ, आप अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिफरेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर ईगो। तो दिस इज वॉट शी वॉज वर्किंग ऑन, अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाके डिफरेंट करेक्टर्स को डेवलप कर रही थी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ऑल्टर ईगो के कॉन्सेप्ट पे इस तरह सिंधी शर्मन काम कर रही थी। आपने भी ये करना है कि आप या तो सिंधी शर्मन के ही जो करेक्टर्स उसने आज तक पुल ऑफ किए हुए अपनी फोटोग्राफ में, जो डॉक्यूमेंट्री में आपने देखे, या जो ये प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये वाली प्रेजेंटेशन, इसमें आपने देखे, तो इसमें से आप इंस्पायर्ड हो जाए किसी से, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री वाले में से इंस्पायर्ड हो जाए, या आपको ना डॉक्यूमेंट्री के करेक्टर आप कर पा रहे हैं, ना ये प्रेजेंटेशन के करेक्टर कर पा रहे हैं, आपके जहन में कोई और करेक्टर है जो इस वक्त आप पुल ऑफ कर सकते हैं इस सिनेरियो में, बाय यूज ऑफ वार्डरोब, बाय यूज ऑफ मेकअप, बाय यूज ऑफ प्रॉप्स, जो भी अवेलेबल है आपके पास उस सिनेरियो में रहते हुए, जो भी आप पुल ऑफ कर सकते हैं, आप उस करेक्टर में अपने आप को डेवलप करें, एंड देन टेक 5 बेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ, सेल्फ पोर्ट्रेट है, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, सेल्फ पोर्ट्रेट है, इस पर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपने इमेजेस को कैमरा रॉ पे ट्रीट करना है,
अब कैमरा रॉ पे उसी तरह ट्रीट करना है जैसे मैंने अभी लास्ट सेशन में आपको कैमरा यूज करना सिखाया. सिंपली आपने कैमरा रॉ में पिक्चर्स इंपोर्ट करनी है, उनकी कलर करेक्शन करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना है, उनको ग्रे स्केल नहीं करना है, क्योंकि सिंधी शर्मन की सारी पिक्चर्स कलरफुल होती थी. हाँ अच्छा क्वेश्चन किया जफा, सब्जेक्ट अपने अलावा कोई और भी हो सकता है, ठीक है, अगर ड्यू टू एनी वैलिड रीजन आप अपने आप को सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते. वैसे तो सिंधी शर्मन अपने आप को लेती थी और बेस्ट पार्ट तो यही होगा कि आप सेल्फ पोर्ट्रेट करें, लेकिन लेट सपोज फॉर ड्यू टू एनी जेन्युइन रीजन यू कांट टेक योर ओन सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, तो ठीक है आप किसी और को सब्जेक्ट ले सकते हैं. और ये सिर्फ मैं इसलिए ईज दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि इस वक्त कुछ टाइम ही ऐसा है कि एज ए फैकल्टी एज ए मेंटोर मुझे भी आपको आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि किस तरीके से क्या क्या लिमिटेशन है आपके पास और उन लिमिटेशन में रहते हुए आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो. तो यस आई डू अंडरस्टैंड आप खुद नहीं कर पाते ड्यू टू एनी वैलिड रीजन अपने आप को सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं कर पाते, यू कैन टेक समवन एल्स, बट करेक्टर नजर आना चाहिए. कोशिश करो जितना भी इस वक्त लिमिटेड सिनेरियो में रहते हो करेक्टर डेवलप कर सकते हो, वो करेक्टर नजर आए आपके सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है. फिर कैमरा रॉ पे आपने पोस्ट ट्रीट किया इमेजेस को, ओके थैंक यू उदयपाल, ओके ठीक है. तो फिर उसके बाद आपने फोटोशॉप किया कैमरा रॉ पे, जिस तरीके से कलर करेक्शन करनी है, कलर्ड इमेज को सिंडी चेयरमैन कलर्ड काम करती थी. अच्छा जब पांच तस्वीरें आप लेंगे उन तस्वीरों को लेने से पहले एक चीज का ख्याल रखें कि उन पांच में से कम अज कम दो तस्वीरें प्लेन सॉलिड बैकग्राउंड पे होनी चाहिए. जैसे इस वक्त मैं बैठा हूँ आपको नजर आ रहा हूँ, ठीक है, ये पीछे प्लेन वॉल है ना मेरे, ठीक है, तो प्लेन वॉल है मेरे, तो इसको इस तरह की फोटो हो कि जब आपका सब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड एकदम प्लेन हो तो उसको फोटोशॉप में कट करना बहुत आसान है, बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट बहुत आसान है. तो आपने वीडियो डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि सिंडी शर्मन अपनी पिक्चर्स में बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट कर रही थी, तो रिप्लेसमेंट के लिए जो बैकग्राउंड यूज करती थी वो भी उसी की अपनी खींची हुई पिक्चर्स होती थी. तो अक्सर फोटोज में उसने बैकग्राउंड जो रिप्लेस किया है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी पिक्चर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे बैकग्राउंड, ये स्पेशली दिस वन, ये पिक्चर भी उसने खुद ही खींची हुई है बैकग्राउंड की और उसको रिप्लेस भी किया है, क्योंकि क्रोमा के आगे फोटोशूट इसका होता था. आई अंडरस्टैंड आपके पास क्रोमा नहीं है एंड होगा भी नहीं ऑब्वियसली घरों में क्रोमा किसी के, तो क्रोमा बेसिकली ग्रीन स्क्रीन को कहते हैं, तो दैट इज फाइन. आप कोई भी घर में सफेद दीवार ढूंढ लें ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ पीछे सफेद दीवार है, ठीक है, या कोई सफेद दीवार नहीं है लेट सपोज, तो आप घर में व्हाइट बेडशीट हो चादर हो उसको दीवार पे लगा लें, ठीक है, अगर दीवार सफेद नहीं है, अगर दीवार किसी और कलर की है लेट से पिंक कलर की है तो भी उस पे शूट हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर कलर एक होना चाहिए पीछे जो बैकग्राउंड है उसका. तो अगर लेट सपोज कोई डिजाइन बना हुआ है आपके घर में जो वॉल है कुछ एक कलर नहीं है, कहीं मिल नहीं रहा, कोई जगह ऐसी मिल नहीं रही, तो आप सिंपली एक चादर लगा दें पीछे सफेद कलर की और उसके उसको एज ए बैकग्राउंड लेके शूट कर लें. कम अज कम दो तस्वीरें ऐसी होनी चाहिए जो सॉलिड बैकग्राउंड पे हो, क्योंकि उन दो तस्वीरों में बैकग्राउंड रिप्लेस करेंगे आप. तो जैसे कि इसने इसमें बैकग्राउंड रिप्लेस किया हुआ है, इसमें रिप्लेसमेंट की हुई है, ये ओरिजिनल पिक्चर है, कोई बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट नहीं इसमें, अगेन दिस इज ओरिजिनल पिक्चर, नो बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट. तो दो पिक्चर्स आपने ऐसी लेने होंगे जिसमें आप बैकग्राउंड रिप्लेस करें और तीन पिक्चर्स आपने ऐसी लेनी होंगी जो ओरिजिनल बैकग्राउंड के साथ होंगी, उसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब बात करते हैं अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि बैकग्राउंड रिप्लेस कैसे होगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा कैमरा रॉम में काम करने के बाद जब फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट के टूल्स क्या हैं फोटोशॉप में वो मैं बाद में बताता हूँ. अच्छा लास्ट पॉइंट है कि ऑल फाइव फोटोज कैन बी टेकन इन अ वे दैट दे क्रिएट अ स्टोरी. ऐसे भी हो सकता है कि जो सारे पाँच आपके क्वेश्चन सारे जो पाँच फोटोज हैं वो इस तरह से हों के आप स्टोरी क्रिएट करें. जी वकार वकार सवाल है आपको, नहीं सुहीर जी आप क्वेश्चन करें. सुहीर जी सर मुझे पूछना था कि अगर हम किसी डिफरेंट कैरेक्टर की हम पिक्चर लेते हैं तो वो फीमेल्स होने चाहिए या मेल्स होने चाहिए? इट कैन बी एनीथिंग व्हिच यू आर कंफर्टेबल एट, एनीथिंग व्हिच यू कैन डेवलप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सर मेकअप वगैरह भी हुआ है तो लाइक हां,
इस पॉइंट ऑफ टाइम के पे आप जो भी डेवलप कर सकते हो, चाहे वो क्या कहते हैं मेल हो फीमेल हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी अवेलेबल है आपके पास, जी वकार वकार, एनी क्वेश्चंस? सर गलती से उठ गया था। अच्छा फायदा फायदा था ना सर, पिक्चर्स की कोई प्लेस है कि रूम में लेनी है, बाहर लेनी है, पोर्ट्रेट लेनी है, लैंडस्केप लेनी है? अच्छा गुड क्वेश्चन फाइजा, देखें पिक्चर आप लैंडस्केप लें, पोर्ट्रेट लें, वकार माइक म्यूट कर लेना, लैंडस्केप लें, पोर्ट्रेट लें, इट्स टोटली योर कॉल, ठीक है, उस पर कोई कंपल्शन नहीं है। आप रूम में लें, आप बैल्कनी में लें, आप रूफ टॉप पे लें, आप बैक यार्ड में लें, आप फ्रंट यार्ड में लें, आप घर के सामने वाली सड़क पे लें, दैट इज टोटली योर कॉल। पॉइंट ये है कि करेक्टर नजर आना चाहिए उन तस्वीरों में, करेक्टर, ठीक है, ठीक है, कूट कूट के नजर आ रहा हो करेक्टर उसके अंदर, जो आपने जो भी लिमिटेड सिनेरियो में लिमिटेड रिसोर्सेज में आई कैन अंडरस्टैंड, जो भी चीज आप कर सकते हो करेक्टर डेवलप करने के लिए वो चीज नजर आ रही है। अब उसके अंदर कम से कम दो तस्वीरें ऐसी हो जो आपने प्लेन बैकग्राउंड हो, प्लेन बैकग्राउंड में एग्जैक्टली लिए हो, तो जो जाहिर है प्लेन बैकग्राउंड में लोग है उसके लिए तो हो सकता है आपको रूम में ही करना पड़ेगा जहाँ व्हाइट वॉल हो, या हो सकता है आपके बैकयार्ड में ऐसी जगह हो सकती है कि आपके घर है, आपके घर का ही बैकयार्ड है, लेकिन बैकयार्ड में एमिटर हो तो घर की जो दीवार है वो सफेद है बाहर वाली। नहीं सर, घर की तकरीबन सारी वॉल्स सफेद ही हैं। हाँ, नहीं कहने का मकसद है अच्छी लाइट जो है ना वो घर के अंदर नहीं होगी, अगर पिक्चर लेनी है तो अच्छी लाइट सनलाइट से जो फिल आता है एनवायरमेंट में वो लाइट आपको बाहर मिलेगी। तो लेट्स सपोज आप घर से बाहर गए, आपका बैकयार्ड है, ठीक है, और जो भी बैकयार्ड में इंटर हो पीछे जो घर घर आपकी के घर की जो दीवारें हैं सफेद वो प्लेन व्हाइट वॉल्स हैं और उसके ऊपर आप ले रहे हो, आप घर के अंदर नहीं ले रहे, तो अगर आप घर से बाहर लेने का आपके पास ऑप्शन है इस तरह का बैकयार्ड का या बैल्कनी का और उधर भी सफेद दीवार है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें पिक्चर के अंदर जो लिट अप एनवायरमेंट है वो ज्यादा अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू रूम के अंदर ट्यूबलाइट्स के अंदर और ये फ्लैशेस वगैरह। अब फ्लैशेस में हर कोई एक्सपर्ट नहीं है फ्लैश फायर करने में और लाइट डायरेक्शन में, तो उनके लिए ये सजेशन है मेरे पास। और सर लास्ट मुझसे मिस हो गई थी, तो सर उस पे जो फेसबुक पेज है पे बहुत सारे पोस्ट वगैरह हैं, तो सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी हम देखें और जिसे हमें हेल्प हो। मैं आपको टैग कर देता हूं उन जगहों पर जो इंपॉर्टेंट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, शेयर किया था। ठीक है सर। अनफॉर्चुनेटली वीडियो जो रिकॉर्डेड सेशन है उसकी वीडियो अभी तक मेरे पास नहीं आई आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन इस बार मैंने ये किया कि मैं खुद अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कैम्पटेशिया से। आई होप दिस वर्क्स। लास्ट टाइम वाली रिकॉर्डिंग मिल गई, मैं आईटी वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, तो वैसे भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज वो रिकॉर्डिंग दे दें स्टूडेंट्स को, बिकॉज स्टूडेंट्स ने उसमें डेमो है, स्टूडेंट ने देखना है कि वो कैसे करेंगे अडोब कैमरा रो को यूज। एनीवेज, तो वो जो दो वीडियोस फायदा मैंने शेयर किए ना वो मेरे अपने शूट हुए डेमो है, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी अगर आप उसको एक बार गो थ्रू करो। उसके लिंक हमने तो हमने आपकी सारी वीडियोस देखी थी, लेकिन जिसमें आपने एसीआर कुछ बता रहे थे सर वो वीडियो नहीं थी उस पे यूट्यूब पे। मैंने अभी वीएलई पे भी लिंक शेयर किए थे आपके साथ एसीआर की वीडियो पे, और वो ग्रुप फेसबुक ग्रुप पे भी लिंक शेयर हुए। और सर जो पिक्चर पोस्ट करनी है उनमें जैसे आपने पहले बोला था कि बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, हो मतलब कि फेसबुक वगैरह से डाउनलोड ना हो या मोबाइल कैमरे की नहीं हो, मींस यूज नहीं हो, तो वो पिक्चर भी ऐसी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट कॉपी होनी चाहिए उनकी, जैसे व्हाट्सएप कर देते हैं तो उनकी पिक्चर खराब हो जाता है? नहीं, फेसबुक पे जब आप मुझे असाइनमेंट अपलोड करोगे तो जाहिर है आपने अगर सेल फोन से पिक्चर लिया तो सेल फोन से ही अपलोड करोगे। लेकिन मैंने ये आप कंफ्यूज हो गए दो बातों में, मैंने ये कहा था कि एंड में जब फाइनल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मुझे सबमिट करोगे एंड में, तो वो फेसबुक से डाउनलोडेड पिक्चर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिक्चर अपने फोन से खींची थी तो उसको वाया यूएसबी केबल अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करो उस ओरिजिनल पिक्चर को और उस तरह मुझे सेंड करो, उस पर मैं बताऊंगा। सर आपने थ्री असाइनमेंट दिए थे, आपने फाइव असाइनमेंट्स बोला था ना कि हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो सर आपने थ्री असाइनमेंट दिए थे, उनके बाद जो दो असाइनमेंट थे आपने बोला था कि आपका पार्टनर अपलोड कर दे, तो सर जरूरी तो नहीं है हमें अपलोड करना, उन्होंने कर दिए काफी है ना? हां हां ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अच्छा फिर अभी एक क्वेश्चन आया है ओसामा अली का। ओसामा अली कह रहे सर वेयर आर द एग्जांपल फोटोज ऑफ कंडीशनमेंट, इज देयर आर एनी इन दिस स्लाइड? ओसामा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन आप अपना क्लियर करें। हां जी ओसामा, यू आर अलाउड टू टॉक।
जी उसमें आपको अलाउ कर दिया मैंने। सर जी हेलो जी जी सर मैं ये कह रहा था जो इनकी एग्जांपल फोटोज है वो किस टाइप में होंगी ना। एग्जांपल फोटोज क्या तो किस का नाम हम पिक्चर क्लिक कर दी थी और बैकग्राउंड चेंज वगैरह जिससे हेल्प मिले हमको अपना पिक्चर क्लिक करने में। नहीं मतलब एग्जांपल फोटोज क्या मैं समझा नहीं। मतलब सर जिस तरह वो वीडियो पिक्चर ले ली थी उस तरह से तो सर वो अपने लाइफ में पिक्चर्स तो होंगी ना आपने उसके उसी की पीडीएफ में से ही कोई करेक्टर उठा के तस्वीर खींचनी है ये कोई जरूरी नहीं। आप अपनी मर्जी का करेक्टर बनाए आप अलादीन बना दे भाई ठीक है। आप जो है पठान में कन्वर्ट करते हैं पठान चाय वाले में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को ठीक है। आप जो है किसी फकीर में कन्वर्ट कर दें बाबा पीर में कन्वर्ट कर दें अपने आपको ठीक है डजंट मैटर। तो ये थोड़ी क्लियर होना चाहिए। हाँ करेक्टर आपका अपनी मर्जी का भी हो सकता है जरूरी थोड़ी। सिंडी शर्मन जिस एनवायरनमेंट में रह रही थी वो वहाँ के करेक्टर डेवलप कर रही थी। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं आप यहाँ के करेक्टर डेवलप करें समझे। अच्छा एक और क्वेश्चन अच्छा म्यूट कर लेना फिर उठाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन है सईद उज़ैफा अली कह रहे हैं सर ये लास्ट बात दोबारा रिपीट कर दें। उज़ैफा अली कौन सी लास्ट बात आपको भी अलाउड टू टॉक कर दिया मैंने। जी उज़ैफा यू आर अलाउड टू टॉक। पर वो जो आपने सिर्फ पॉइंट बताया था ना वो वाली बात दोबारा रिपीट करें। सिक्स पॉइंट पे फिफ्थ अच्छा पांचवें नंबर पे जी सर। अच्छा अभी कर देते वापस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस सर आप देखें स्क्रीन आपको नजर आती है ठीक है। इसमें पांचवा पॉइंट है एटलीस्ट टू फोटोज शुड बी टेकन ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड। अच्छा भाई देखें सिक्स पॉइंट में ये है कि भाई जो पांचों तस्वीरें हैं ना आपकी ऐसा भी हो सकता है उज़ैफा के पांचों की पांचों तस्वीरों की आपस में कोई कनेक्शन हो कोई स्टोरी हो। फॉर एग्जाम्पल ओसामा जो है अभी अपने आप को चाय वाले करेक्टर में डेवलप कर लेता है ठीक है पठान चाय वाला ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये पहली तस्वीर में जो है पत्ती डाल रहा हो दूसरी तस्वीर में हो सकता है ये चाय यूं कर रहा हो ठीक है तीसरी तस्वीर में चाय किसी को दे रहा हो चौथी तस्वीर में खुद ही चाय पी रहा हो। तो ये एक स्टोरी बन गई ना समझ रहे हो बात। तो ये भी हो सकता है कि उसामा जो है चाय वाला करेक्टर डेवलप करता है तो एक स्टोरी बना ले। ये भी हो सकता है कि भाई उन पांचों तस्वीरों का आपस में कोई ताल्लुक ना हो दो जो है इसमें व्हाइट बैकग्राउंड पे शूट की हुई है और पोज दिया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग था और बाकी जो तीन है वो उसने किचन के अंदर शूट की हुई है लेकिन उन पांचों तस्वीरों का आपस में कोई स्टोरी कोई ताल्लुक नहीं है कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये भी हो सकता है दोनों चीजें पॉसिबल है अलाउड ये मैंने कहा था। अच्छा उज़ैफा के बाद एक उसामा अली का एग्जाम्पल सिंडी शर्मन अच्छा वो बात हो गई। अच्छा फिर ये कोई साहब है वो कह रहे कैन वी टेक फोटो तो ड्रग डीलिंग बोली ना जी जी फायदा सर मैं एक पूछना चाह रही थी आपसे जी बोल। सर जैसे आपने भी चाय वाले की एग्जांपल दी है तो सर ये तो मतलब एक ही कैरेक्टर नहीं हो जाएगा जैसे एक मिसाल है मैं चाय वाली बनती हूँ तो मैं पहले चाय डाल दूँ दे दूँ तो सर ये तो एक ही कैरेक्टर नहीं हो जाएगा पांच पिक्चर अगर हम एक कैरेक्टर के अपलोड करते हैं तो। नहीं नहीं बेटा आपको एक ही कैरेक्टर डेवलप करना है आपके पास आपको मैं इतना टेंशन थोड़ी दूंगा ऐसे मौकों पर लॉकडाउन के मौकों पर आपको मैं बोलूं कि पांच कैरेक्टर डेवलप करो। नहीं नहीं दिस इज टू मच एक कैरेक्टर में पांच तस्वीरें अपलोड जी 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 एक ही कैरेक्टर होगा उसी में पांच तस्वीरें खींचोगे। मैं आपके लिए आसानियां ढूंढ रहा हूं ताकि आप लोग जो है किसी तरीके से लर्निंग आपकी रहे और आप लोग एंजॉय करो इस चीज को समझो। तो एक ही कैरेक्टर डेवलप करना है आपने। थैंक यू सर। अच्छा अब बात करते हैं मोहम्मद इसहाक से। इसहाक यस यू आर अलाउड टू टॉक। अस्सलामुअलैकुम सर। कैसे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी कि जैसा आपने बताया प्लेन बॉल का सर मैं बोल रहा था अगर कोई स्टोन टाइप बॉल हो वो भी चलेगी। नहीं बेटा स्टोन टाइप या टेक्सचर्ड बॉल होगी ना उसको फोटोशॉप में कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो तो जाएगी वर्स्ट केस में हो ही जाएगी मजबूरी में लेकिन व्हाई डू समथिंग प्री प्रोडक्शन में इतना परेशानी क्यों दे अपने आपको जब हमें पता है कि हमने करना है बैकग्राउंड रिप्लेस करना है हमने। ठीक है सर।
तो कोशिश करें ऐसा ना। जी फायदा, थैंक यू सर। जी फायदा अगेन, जी फायदा बोलिए। फायदा गलती से आ रहा है। जी सर। जी बोले सर, मैं ये कह रही थी कि सर जरूरी है कि जैसे कि हम पांचों टीचर बाहर भी ले सकते हैं, मतलब कि डे लाइट में, ये जरूरी है कि हम घर में दो लें दो बाहर लें? देखिए पांचों घर के दो तस्वीरें कम से कम व्हाइट बैकग्राउंड या सॉलिड बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। वो मैंने अभी आपको समझा दिया कि अब आप घर के बाहर लेते हैं, बैकयार्ड में लेते हैं, या आप घर के अंदर लेते हैं, वो आपकी मर्जी। सही है सर। ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन लेते हैं हम हमजा शाहिद से। यस हमजा, यू आर अलाउड टू टॉक, अनम्यूट कर लिया। जी हमजा सर, मुझे ये पूछना था कि अगर ये आर्टिफिशियल लाइट हम सॉफ्ट बॉक्स वगैरह यूज कर सकते हैं क्या? बेहतरीन, अगर आपके पास सॉफ्ट बॉक्स है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इनफैक्ट आपको मैं कुछ अभी स्क्रीन पे थोड़ी तस्वीरें दिखाता हूँ पुराने स्टूडेंट्स की, यही सिंडी शर्मन वाले उसमें इकरा यूनिवर्सिटी के हमारे जो स्टूडेंट हैं सीनियर हैं, उन्होंने उनको मैंने स्टूडियो में काम करवाया था, जो डार्क रूम स्टूडियो है हमारा नीचे। आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने विजिट किया है कभी डार्क रूम स्टूडियो हमारा, किया किसी ने विजिट कभी? स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है, अमेजिंग, पूरा उधर क्रोमा का सेटअप भी है, ब्लैक स्क्रीन भी है, व्हाइट स्क्रीन भी है, सीमलेस वॉल है पूरी व्हाइट स्क्रीन की, अमेजिंग सेटअप है। और जो हमने क्वालिटी प्रोड्यूस किया वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये पैंडमिक का सीन हो गया, मैंने यही प्लान किया था। असल मजा तो बेटा आना ही अब था, 6-7 सेशन थे कि मैं आपको स्टूडियो लेके जाता और वहाँ काम करवाता और सॉफ्ट बॉक्सेस अम्ब्रेलास हैंडल करते आप लोग, असल मजा ही उसी का था। तो अगर आपके पास यस घर पे है मौजूद तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट, और मुझसे जो भी हेल्प चाहिए हो मुझे बताना, मैं आई विल गाइड यू। ठीक है बिल्कुल जी बिल्कुल सर, थैंक यू जी। अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं जनाब 447-55 का। जी जनाब 447-55 यू आर अलाउड टू टॉक। स्ट्रांग सर। वेलकम, नाम क्या है बेटा आपका? जी सैयद फराज अली रिजवी सर। फराज साहब आपका तो मैं फैन हूँ आपके काम का। फराज साहब थोड़ा नाम अपना चेंज करके आया करें ना इस पे। ठीक है। अच्छा सर बेसिकली मैं सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मैं ड्रग एडिक्ट कैरेक्टर पे एक स्टोरी कैरेक्टर बनाना चाह रहा था। बेसिकली जो जो डील्स कर रहे होते हैं बेसिकली ड्रग को, फिर आगे हमारी सोसाइटी में बैड इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? उसका मैं कैरेक्टर डेवलप करना चाह रहा था, कर सकता हूँ सर? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कैरेक्टर आपकी मर्जी है। बहुत अच्छे आइडियाज आप लोग लाएं, लोकल आइडियाज लाएं तो मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। क्या जरूरत है अमेरिकन कैरेक्टर डेवलप करने की? आप अपनी सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे हैं उन्हीं में से कैरेक्टर डेवलप करें, और यही काम ज्यादातर मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने किया था, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर डेवलप किए थे जो लोकल इश्यूज है, और आपने बड़ा अच्छा इशू रेज किया ये। ठीक है, ये हमारे ये किसने लिखा है सर? यस मैंने हसन गुलरेज से सुना था। हाँ सर, गुलरेज वॉज माई लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, तो ठीक है उन सबने करेक्टर्स किए थे, एंड आई विल शो यू अभी स्क्रीन पे उनका काम दिखाता हूँ मैं आपको। जी तो क्लियर हो गया फराज? जी सर यस। ओके अच्छा, ये तो बात हो गई कि करना क्या है, कैसे करना है, करेक्टर्स किस तरह डेवलप करने हैं, कितनी फोटोज प्लेन बैकग्राउंड पे आनी है और कितनी एक्चुअल ओरिजिनल बैकग्राउंड पे आनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़े से एक सेकंड, अब्दुल रहमान कुछ पूछ रहे हैं सर कैन यू प्लीज रिपीट द असाइनमेंट बिकॉज़ आई वाज अनएबल टू लिसन टू ड्यू टू माय इंटरनेट। बेटा असाइनमेंट स्क्रीन पे मैं आपको वापस दिखा देता हूँ क्विकली सो दैट यू कैन गो थ्रू इट। ये असाइनमेंट है हुज़ैफ़ा ने सवाल किया ना, नहीं अब्दुल रहमान ने किया। ठीक है, ये असाइनमेंट है, आपने जो है पांच तस्वीरें सबमिट करनी है, पांचों की तस्वीरें एक ही करेक्टर डेवलप करोगे उसी की पांच तस्वीरें होंगी। ठीक है, आप DSLR यूज कर रहे हो तो ये सेटिंग्स है, आप सेलफोन कैमरा यूज कर रहे हो तो ये सेटिंग्स है, सिंडी शर्मन की तरह आपने भी एक करेक्टर डेवलप करना है, सेल्फ पोर्ट्रेट, कोशिश करें अपनी खुद को सेल्फ पोर्ट्रेट डेवलप करके करेक्टर लें। अगर वर्स्ट केस में नहीं कर सकते ड्यू टू एनी जेन्युइन रीजन, अपने आप को करेक्टर डेवलप नहीं कर सकते, किसी और को सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वर्स्ट केस में, तो वो कर लें, वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। फिर कैमरा रॉ पे तस्वीरें आप पोर्ट्रेट करेंगे जिस तरह मैंने सिखाया, कलर तस्वीरें होनी चाहिए, कलर करेक्शन होनी चाहिए, सिंडी शर्मन कलर में काम करती थी। कम से कम दो तस्वीरें जो है वो प्लेन बैकग्राउंड पे हों क्योंकि उनके अंदर बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट हम करेंगे।
पांचों की पांचों तस्वीरों की जरूरी नहीं है कि आपस में स्टोरी हो, और आपस में स्टोरी बना बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं अब आपको काम दिखाने लगा हूँ पास स्टूडेंट्स का, ठीक है। लेट मी ओपन दैट वर्क एंड आई विल शो यू। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक लिंक भेजने लगा हूँ, ठीक है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच इट नाउ। अभी आपको YouTube का एक लिंक भेज रहा हूँ मैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको वॉच करें। तब तक मैं पुराने स्टूडेंट्स का काम देखता हूँ, कहाँ पर है, फोल्डर ढूंढता हूँ, तो फिर स्क्रीन शेयर करूँगा। इन द मीन टाइम ये वीडियो देखेंगे आप लोग। जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ चैट्स में। हाउ डू आई टाइप समथिंग इन चैट? यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन। अच्छा सम मुझे ऑप्शन मिल नहीं रहा है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं फेसबुक ग्रुप पे एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। एवरीवन आवाज आ रही है? फातिमा यस सर जी, फेसबुक ग्रुप पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया। ये शोरील है लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो। उसके अंदर करेक्टर शूट भी हैं, सिंडी शर्मन वाले शूट भी हैं। जब तक आप ये देखेंगे तब तक मैं फोल्डर वो ढूंढ लूंगा कि कहाँ पर है वो तस्वीरें, ठीक है। सो ग्रुप पे मैंने बेटा शेयर कर दी एवरीवन वो वीडियो का लिंक। आप लोग तब तक वो देखिए, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट, मैं वो ढूंढता हूँ फोल्डर। जी वो वीडियो का लिंक मिल गया ग्रुप पे? यस सर। जी एवरीवन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, मुझे वो फोल्डर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ जी। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? अच्छा जी ये स्क्रीन पे जो करेक्टर्स देख रहे हैं आप,
Can anybody recognize this? ये कौन सा करेक्टर है? कभी देखे देखा है ये करेक्टर कहीं? कुछ याद आ रहा है किसी को? You guys, are you with me? हाँ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Okay, so ये basically इस जो करेक्टर आप देख रहे हैं ये है वेनेसडे. वेनेसडे basically एक कार्टून आते थे, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया. एडम्स फैमिली. या वेरी नाइस. एडम्स फैमिली में एक वो करेक्टर होती थी, वो है ये, वो पूरी डेवलप किया उसने एक पिछले स्टूडेंट्स का काम है. ओके, सो दिस इज अनदर शॉट. ये पूरा स्टूडियो में हुआ है, जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडियो है वाइट वॉल पे. अच्छा, दिस इज अगेन डन बाय वन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. बेसिकली ये हार्लिक्विन जो है करेक्टर है सुसाइड स्क्वाड में, जो डीसी कॉमिक्स का करेक्टर है, वो डेवलप किया इन्होंने. ठीक है, ये बेसिकली सैंडी शर्मन से इंस्पायर्ड जो है वो जोकर जो क्लाउंस पे करेक्टर्स करती थी वो डेवलप किया है. ये सारा स्टूडियो लाइट में है, बट आई कैन अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इस तरह का काम नहीं कर सकते, सो इवन दैट इज फाइन विद मी. जो ऑप्शन अवेलेबल है आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट हुई है. हर पिक्चर में बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट नहीं है, कुछ कुछ पिक्चर में. अब ये देखें, ये इन्होंने किया बेसिकली वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको क्या कहते हैं आप, जो हमारे कल्चर में बहुत है कि आप जो है पैसे लेके जो है अपनी शादी करवा देते हैं, फोर्स्ड मैरिज. बेसिकली फोर्स्ड मैरिज बिहाइंड ये इसका इशू था, और कॉन्सेप्ट फोर्स्ड मैरिज था. और क्या कह रहे हो सामाजिक, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड. या ठीक है, तो आगे और देखते हैं तस्वीरें. ये सारी फोर्स्ड मैरिजेस, मैरिज इसका कॉन्सेप्ट है. अच्छा, ये बेसिकली वो है द नन, जो मूवी आई थी उसका करेक्टर डेवलप किया था. वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे ब्रिलियंट काम इस ग्रुप ने किया था इन्होंने, बहुत मेहनत की थी. ये द नन का करेक्टर डेवलप किया है इन्होंने. ये सब वीडियो में है, जो वीडियो लिंक मैंने आपको भेजा है उसके अंदर ये सारे करेक्टर्स हैं. ये बेसिकली इसने डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया था, बट ऑन मेल. ये नया करेक्टर लेके आया था कि भाई मेल पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है. तो ये इस तरीके से ये अच्छा, ये अगेन एक और हार्ली क्विन एक और ग्रुप ने भी किया था, ये भी बैकग्राउंड रिप्लेस हुआ. ये पीर बाबा जो है ग्रुप ने किया था इस पे काम. अच्छा, ये क्या म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन करेक्टर था बस, सिंपल. अच्छा, ये सारे कुछ पिछले फॉल के स्टूडेंट्स का काम है, लास्ट सेमेस्टर में. उससे पहले समर्स के स्टूडेंट ने भी कुछ काम है मेरे पास, बट कंपाइल नहीं हुआ. ये देखेंगे और डोमेस्टिक वायलेंस पे काम हुआ है करेक्टर, डोमेस्टिक वायलेंस इंस्पायर्ड. इसमें मेकअप का कमाल किया था सारा, मेहनत सारी मेकअप रहती थी. तो इस तरह से ये कुछ पास्ट स्टूडेंट्स का मैंने आपको काम दिखाया है. जी, आर यू गाइस डन वॉचिंग दैट वीडियो? यस एवरीवन, मैं अभी सबको अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ. जिसको भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं. पूरी क्लास को मैंने अलाउ टू टॉक कर दिया.
जी मेरी आवाज आ रही है फातिमा? जी आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको काम दिखाया अभी स्क्रीन पे, अब आप लोग बताएं कि कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं आगे एक लास्ट चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है कि मैंने आप लोगों को बताना है बैकग्राउंड रिप्लेस कैसे होता है। ठीक है, अब बैकग्राउंड रिप्लेस के अगर अभी बताने बैठा मैं तो टाइम बचेगा नहीं, और वैसे भी मुझे ये सब एक्सप्लेन करना था, तो मैंने प्लान किया हुआ है एक वीडियो है, मेरा ही डेमो है बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं उस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो उसमें बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट के फोटोशॉप पे किस तरीके से किया मैंने एक पिक्चर में वो दिखाया, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आप लोग कोशिश करना उसको फॉलो करने की। जिसको नहीं समझ आए वो ग्रुप पे हम डिस्कशन कर लेंगे रिगार्डिंग दैट, जिसको नहीं समझ आ रहा होगा, और उस तरीके से आपको वीडियो के थ्रू आप बैकग्राउंड रिप्लेस करना समझ जाओगे, सीख जाओगे इंशाल्लाह होपफुली, अदरवाइज वो थ्रू आउट द वीक हम डिस्कस करेंगे कर लेंगे वो वीडियो लिंक शेयर करने के बाद। जी और कोई कंसर्न्स? और कोई किसी के इश्यूज है, कंसर्न है? एवरीबडी इज अलाउड टू टॉक, सबको मैंने अलाउड टू टॉक कर दिया। अच्छा सर, इज इट अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं, अब्दुल रहमान पूछो ना, अनम्यूट करके बात करो मुझसे। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलो। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, आईफोन 7 में काफी डिफिकल्ट हो रहा है सर, ऐप को सर्च, मैंने सर्च भी किया तो कुछ मिल नहीं रही सर कोई ऐप ऐसे। अच्छा, तो आईफोन 7 का अपना जो मोड है उसके अंदर नहीं है मैनुअल और एक्सपर्ट मोड? नहीं सर, मैनुअल नहीं, खाली एंड्रॉइड में होता है सर वो। अच्छा, आईफोन के अंदर जो एक मोड होता है क्या बोलते हैं सर, ब्राइटनेस है, ऑटो फोकस और ब्राइटनेस हो जाता है सर बस। तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो दैट डजंट मींस कि आपका काम खत्म हो गया। आप जाहिर है उसकी ज्यादातर एप्स जो है वो पेड है ऐप स्टोर पे, आई अंडरस्टैंड, बट इन एनी केस आप नॉर्मल जो उसका मोड है उससे फोटोग्राफ लो। आपके पास कैमरा नहीं है ना, डीएसएलआर नहीं है, दैट्स व्हाट यू सेइंग राइट? यस सर। हां बस आप नॉर्मल सर उन पिक्चर्स को सर एडिट कर दूं एडोब फोटोशॉप? हां तो एडिट आप करोगे ना उसको एडोब फोटोशॉप पे एडिट करोगे आप, सिर्फ नॉर्मल जो भी मोड अवेलेबल है उसके अंदर पिक्चर लो और आप एडिट उसको इम्पोर्ट करो। पिक्चर को इम्पोर्ट करना व्हाट्सएप फेसबुक नहीं करना, जो भी पिक्चर फोन से ले रहे हैं सब लोग सुन ले, पिक्चर जो भी फोन से ले रहे हैं आप लोग अपनी फोन वाया केबल ट्रांसफर करेंगे अपने सिस्टम में, पीसी में या लैपटॉप में। ठीक है, वाया सिस्टम आप ट्रांसफर करेंगे केबल के थ्रू, या फिर मेमोरी कार्ड कनेक्ट करके, या फिर ईमेल करके अपने आप को। व्हाट्सएप नहीं करना, फेसबुक नहीं करना, पिक्चर की रेजोल्यूशन डाउन हो जाएगी, फोटोशॉप पे काम करोगे मजा नहीं आएगा। जी अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल रहमान आपका कोई क्वेश्चन है पूछे? जी पूछे अब्दुल रहमान, कौन बात कर रहा है? मोहम्मद जी पूछे, मोहम्मद यस, मोहम्मद 44618 यस प्लीज। सर ये सब पांच पिक्चर्स लेनी है सर, इसको एक बार रिपीट करते हैं, दो पेंट वॉल में लेनी है और बाकी थ्री किसी भी बैकग्राउंड हो सकती है। जो दो हैं वो कम से कम प्लेन वॉल पे हो, और बाकी जितनी भी तस्वीरें हैं तीन जो बचती हैं वो आपका करेक्टर ऐसा है कि जो बेडरूम में नजर आना चाहिए तो बेडरूम में ले लें, आपका करेक्टर ऐसा है कि जो किसी दरख्त के पास नजर आना चाहिए तो दरख्त के पास ले लें, या पीछे आपके करेक्टर के आसमान नजर आना चाहिए तो बैल्कनी में जाके ले लें, वो कुछ भी ले लें, वो ओरिजिनल बैकग्राउंड की हो। दो पिक्चर्स सॉलिड बैकग्राउंड पे कम से कम लेनी है, सिर्फ दो पिक्चर है जिनमें हम स्काई जिसमें हम बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट करेंगे, सारी पिक्चर्स में बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ दो में करेंगे, इसलिए वो दो पिक्चर सॉलिड बैकग्राउंड।
अच्छा जी 44755 आपको क्या क्वेश्चन ये फराज है जी सर मेरा हाँ। जी जी सर अच्छा सर मैं पूछना चाह रहा था आपसे सर सही नेसेसरी प्लेन बैकग्राउंड को यूज करना है एडोब फोटोशॉप पे तो बेसिकली सर हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे तो कोई भी बैकग्राउंड हो तो एडोब फोटोशॉप पे बेसिकली हमें चेंज ही करना है ना बैकग्राउंड तो हां हां तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्लियर बैकग्राउंड की कितनी इंपॉर्टेंस क्लियर बैकग्राउंड या प्लेन बैकग्राउंड मतलब वाइट बैकग्राउंड या प्लेन बैकग्राउंड सॉरी देखो प्लेन बैकग्राउंड ना विद इन अ फ्यू क्लिक्स उसको आप जो है वहां से रिमूव कर सकते हैं क्या कहते हैं ओरिजिनल पिक्चर से तो इस पे बेस्ड ये होगा कैसे इस पे बेस्ड मैंने वीडियो शूट की भी है ऑलरेडी वो वीडियो का लिंक मैं आपको फेसबुक ग्रुप पे सेंड करूंगा कि बैकग्राउंड रिप्लेस करना कैसे है ठीक है तो आपको पता चलेगा कि प्लेन बैकग्राउंड को कट करना बहुत आसान है फोटोशॉप पे एज कम्पेयर टू पीछे टेक्स्चर हो या पीछे कोई सीनरी हो फर्नीचर हो ठीक है तो इस वजह से मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ बार बार के प्लेन बैकग्राउंड पे पिक्चर्स ली भी होगी तो बहुत आसान काम हो जाएगा आपका क्या ख्याल है यस सर तो मैं अच्छा और क्या कंसर्न है बताएं यस सर बस एक क्लियर करना जी और कोई किसी का क्वेश्चन एनीबॉडी अच्छा मोहम्मद अब्दुल रहमान कह रहे हैं यही क्वेश्चन था माइक का इशू ओके तो बस यही है कि भाई अब आपको रिमेनिंग मेरा यही रह गया है कि एक जो एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर मिड टर्म प्रोजेक्ट जो था उसका क्या हुआ तो भाई देखें अभी आपने ये करना है कि आप असाइनमेंट वन से लेके अब तक जितना भी काम करते आ रहे हैं वो तो अपलोड कर ही रहे हैं ग्रुप पे फेसबुक ग्रुप पे लेकिन आपको मैंने जब फेस टू फेस क्लासेस हो रही थी तब भी मैंने ये चीज़ अनाउंस की थी कि आपने सारी तस्वीरों को अपने कंप्यूटर में फोल्डर बना के उसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें सेव करके रखनी हैं अगर आप सेलफोन से पिक्चर्स ले रहे हो तो सेलफोन से वाया यूएसबी ट्रांसफ़र केबल डेटा केबल के थ्रू सारी तस्वीरें अपने लैपटॉप में पीसी में डेस्कटॉप में सेव करके फोल्डर बना के रख लो अभी से क्योंकि इन दी एंड ऑफ द सेमेस्टर आपने एक पूरा पोर्टफोलियो सबमिट करना होगा वो पोर्टफोलियो फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज होगा और आप उसके अंदर हाई रेस तस्वीरें डालोगे जिस तरह अभी मैं स्क्रीन आपको दिखाता हूँ अपनी तो पुराने स्टूडेंट्स ने किस तरीके से मुझे ये सेंड किया है ठीक है कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन गाइज अब मैं आपको बताता हूँ देखो जैसे ये फॉल 2019 का ग्रुप है ठीक है इनके पोर्टफोलियोज देखें आप ये देखें ये पूरे फोल्डर बने हुए हैं अब जैसे ये एक स्टूडेंट है फहद जब्बार तो इसके फोल्डर के अंदर सारे असाइनमेंट्स के फोल्डर बने हैं और हर फोल्डर के अंदर हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है कोई ऐसी तस्वीर नहीं होगी किसी फोल्डर में जो हाई रेजोल्यूशन ना हो सब हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं जो उन्होंने डायरेक्ट अगर फ़ोन से लिए तो फ़ोन से कॉपी की हुई हैं यहाँ पर और अगर DSLR से लिए तो DSLR से डायरेक्ट फोन फोटो कॉपी की है तो दैट्स व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि आप लोग जो है अभी से वो फोल्डर सेव करने शुरू कर दें अपने कंप्यूटर पे जी सुहीर सर मेरे क्वेश्चन है कि जब हम ये पिक्चर्स अपलोड करेंगे एज असाइनमेंट अपने ग्रुप में जी तो हमने जो कैप्शंस डालते हैं हर पिक्चर में कि ये कौन सा कैरेक्टर है जैसे हमने प्रीवियस असाइनमेंट्स में किया था राइट इसमें कैप्शंस कौन से डालेंगे सर इसमें कैप्शन ये डालेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे ये जब पोस्ट हो जाएगा ना असाइनमेंट ब्रीफ तो आपको उसमें भी क्लियरली नजर आ जाएगा मैं भी बताता हूँ सर अभी मैंने इसमें मेंशन भी किया ये देखिए असाइनमेंट के टैब में आप जाएंगे ना ये पूरी ब्रीफ अपलोड हो जाएगी ग्रुप पे इसमें नीचे लिखा हुआ है देखिए असाइनमेंट 6 होगा ये 6 लिखा हुआ है मैं करेक्ट कर दूंगा इसको इम्यूलेटिंग सिंडी शर्मन स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी सेल्फ पोर्ट्रेट 1 सेल्फ पोर्ट्रेट 2 सेल्फ पोर्ट्रेट 3 सेल्फ पोर्ट्रेट 4 5 6 ये फाइल नेम होगा सिंपल मतलब कैप्शन नेम होगा ये क्या कह रहे हाँ जी उधर ठीक है जो सर पुरानी पड़ी हुई थी वो मोबाइल में पड़ी हुई थी अब वो तो अब ऐसा भी हुआ है कि कुछ शूट जो थे हम लोगों ने दोस्तों ने दूसरे के कैमरे से किए थे तो वो व्हाट्सएप इमेजेस में आई है हमारे पास अच्छा
अच्छा तो अब देख, उसका क्या? अब देखो वो तो एक मजबूरी है ना आपकी, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं रही ना बात। देखें आपके पास पुरानी तस्वीरों में जाहिर है व्हाट्सएप में रह गई, वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ तो इट्स ओके। अगर अब ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो है ना तो देखो अब समझ भी आता है उधर का बात। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई आपके पास चांस है और उसके बावजूद आप जो है लो रेस तस्वीरों को एडिट कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है, समझ रहे हो बात? अच्छा ये बात हो गई। अच्छा इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, जी आराम कुछ कहना चाह रहे हो? तो ये आपको जो फाइनल आपने पैसा क्लिक करनी है सारे पिक्चर्स को फोटो करके वो सबमिट कैसे करेंगे? हाँ देखिए जिस तरह मैंने स्क्रीन पे दिखाया ना, इसको मैं फिर किसी और सेशन में और भी एक्सप्लेन करूंगा। इस वक्त मेरी अनाउंसमेंट ये थी कि सारी तस्वीरें अपने सिस्टम में पीसी में फोल्डर वाइज सेव करना शुरू कर दें। ये मैंने क्लास जब फेस टू फेस हो रही होती थी तब भी मैं ये दो तीन बार अनाउंस कर चुका हूँ, आज भी वापस से अनाउंस करता हूँ कि अभी से सेव करें। अच्छा सबमिट कैसे करेंगे? वेरी गुड। सबमिट इस तरह करेंगे कि आप पूरा फोल्डर उठाएंगे, उसको जिप करेंगे, ठीक है? ये भी मैं तरीका बताऊंगा। जिप करने के बाद आप उसको वी ट्रांसफर पे अपलोड करेंगे, वी ट्रांसफर पे अपलोड हो जाएगा पूरा फोल्डर आपका, उसका लिंक मुझे सेंड कर देंगे, खत्म सिंपल। तो मैं वो डाउनलोड कर लूंगा पूरा फोल्डर। जी आराम, क्लियर हुई बात? यस सर। अच्छा अब लास्ट में मैं आप लोगों को सबको बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने आप लोगों के सबके असाइनमेंट्स देखे हैं जो आप लोगों ने लास्ट एडिट्स किए हैं, एंड आई मस्ट से आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से आप लोगों ने क्या कहते हैं इंटरेस्ट शो किया। ये सारे मैं आपके असाइनमेंट्स क्लास स्टार्ट होने से ये सब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं बैठ के देख रहा था और बहुत अच्छा मुझे एडिटिंग का काम आप लोगों का लगा है बिकॉज यू गाइस आर एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस। जी फायदा एक मिनट, मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है इसी तरह लगे रहे एडोब कैमरा रो के कलर करेक्शन के जो ऑप्शंस है डिफरेंट वो एक्सप्लोर करते रहे। वो जो ऑप्शंस मैंने बेसिक बताए थे, बेसिक के अलावा जो और सारे ऑप्शंस हैं वो भी प्लीज एक्सप्लोर करते रहे, इसी तरह यही लर्निंग है आप लोगों की। तो ये मैंने सारे आप लोग के एडिट्स देखे, मुझे बहुत पसंद आए। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल वर्किंग लाइक दिस इस लाइक लॉकडाउन सिनेरियो में भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड आई लव योर वर्क। ये सबका मैं फोल्डर खोल के देख चुका हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा था आपका काम, आई कुडंट डिस्कस इट इंडिविजुअली बिकॉज ये बहुत सारा काम है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आई हैव बीन सीइंग ऑल दिस वर्क। मैं सारे सारे आपके फोल्डर ये देख रहा था इस तरीके से।